खटीमा के वार्ड नंबर 11 की सभासद रागिनी मेहता के पति विमल मेहता पर कुछ लोगों द्वारा किए गए जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वार्ड सभासदों ने सीओ का किया घेराव। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत नगर पालिका खटीमा के वार्ड नंबर 11 की सभासद रागिनी मेहता के पति विमल मेहता को 24 नवंबर की रात को उनके वार्ड में आई बारात में कुछ लोग झगड़ रहे थे, जिस पर बीच बचाव करने पर कुछ लोगों द्वारा बुरी तरह पीट कर घायल कर दिया गया था। इस मारपीट में जहां उनका हाथ 3 जगह से टूट गया था, वहीं उनके सिर में भी काफी चोटें आई थी, जिस पर प्राथमिक उपचार के बाद सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। सभासद पति पर जानलेवा हमले के 10 दिन बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार न किए जाने से नाराज वार्ड सभासदों द्वारा आज सीओ खटीमा मनोज ठाकुर का घेराव किया गया। वार्ड सभासदों ने सीओ खटीमा से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। एक बारात आई थी मेला घाट तरफ से, तो वहां पे दो शराबी थे, शराब पीकर वहां पे झगड़े, कुछ खोखे की दुकान थी, वहां कुछ झगड़ा कर रहे थे। ये यहाँ के सभासद पति हैं, रागिनी मेहता सभासद हैं, इनके पति हैं। इन्होंने कुछ समझाने का प्रयास करा, वो लोग शराब पी के अनगल बयानबाजी कर रहे थे, उसमें देखते ही देखते दो चार लोग और आ गए, इन पर हाथापाई कर दी। हाथापाई करने से इनके कम से कम 3 जगह से हाथ फ्रैक्चर हुआ है, 3 जगह से हाथ फ्रैक्चर हुआ है, स्वास्थ्य में भर्ती हैं। ये 7-8 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि जो रागिनी मेहता जी उनके पति के साथ मारपीट हुई थी, तो संबंध में थाना जनकैया पे धारा 325 में मुकदमा पंजीकृत है और विवेचना कार्रवाई चल रही है।